Do you know homeopathy से अस्थमा ठीक हो सकता है? Hello everyone, I am Dr. Tanvi, your homeopathic physician and welcome to my channel Homeo Heals. आज 5th of May को World Asthma Awareness Day के रूप में मनाया जाता है। तो इस दिन के अवसर पर हम बात करेंगे अस्थमा और स्कोप ऑफ होम्योपैथी के बारे में। तो अस्थमा क्या होता है? अस्थमा ये एक प्रकार की एलर्जी होती है जो आपके लंग्स को या रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है। अस्थमा को आप हिंदी और मराठी में दमा भी कहते हैं। तो इसमें आपका जो विंड पाइप हम कहते हैं, जो एयर पाइप होता है, वो ऐसे कंस्ट्रिक्ट हो जाता है जब आप एक एलर्जन के संपर्क में आते हैं। एलर्जन यानी आप फॉर एग्जांपल डस्ट ले लीजिए, तो क्या होता है, अगर आप कोई भी पाइप को ऐसे स्क्वीज करेंगे तो आपके जो एयर एंट्री है यानी जो ऑक्सीजन एंट्री है वो लंग्स में कम होती है, उस वजह से पेशेंट्स को दम लगता है। और यही होता है अस्थमा में। ज्यादातर के 80% ऑफ अस्थमा बच्चों में पाया जाता है या ऑनसेट जो होता है वो बच्चों में होता है और उन्हें एसोसिएटेड एलर्जिक कंडीशन होती है, यानी स्किन में एलर्जी हो सकती है जिसे हम एक्जिमा कहते हैं, या एलर्जिक राइनाइटिस जिसे हम कहते हैं, यानी नाक से पानी आना, आंख से पानी आना, नाक आंख में खुजली होना, ये सारे सिम्टम्स भी अस्थमा के साथ दिखाई दे सकते हैं। अस्थमा जो होता है ये यूजुअली ट्रिगर फैक्टर्स के वजह से ट्रिगर होता है जिसे हम एलर्जेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल एयर पोल्यूशन, डस्ट से भी ट्रिगर हो सकता है, कोई ऑक्यूपेशन रिलेटेड अस्थमा भी हो सकता है, कोई केमिकल फैक्ट्रीज में जो काम करते हैं वर्कर्स उनमें हो सकता है, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड यानी आप अगर फिजिकल एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्सर्शन करें, उससे भी अस्थमा ट्रिगर हो सकता है। सीजन चेंज होने पे आपने देखा होगा, जैसे सीजन थोड़ा ठंडा हो जाता है, विंटर सीजन अप्रोच करता है, तो अस्थमा की तकलीफ जो होती है वो बढ़ जाती है। और स्ट्रेस इंड्यूस अस्थमा या जो भी स्ट्रेस कंडीशंस में भी जो दमे की शिकायत है ये बढ़ सकती है। स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग परफ्यूम्स, फ्रेग्रेंसेस, अगरबत्ती, इससे भी अस्थमा अटैक ट्रिगर हो सकता है। तो ये सारे ट्रिगर फैक्टर्स है अस्थमा के एंड यूजुअली ये एलर्जिक कंडीशन होता है। सिर्फ जो अडल्ट ऑनसेट अस्थमा होता है, जो बड़े लोगों में जो अस्थमा दिखाई देता है, कभी कभार वो एलर्जी से एसोसिएट नहीं होता। तो इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके तीन क्लासिकल सिम्टम्स या लक्षण होते हैं, यानी खांसी आना, दम लगना या ब्रेथलेस फील होना, और आपके सीने में जब डॉक्टर एग्जामिन करता है तो एक वीजिंग साउंड सुनाई देता है, और कभी कभी अक्यूट अटैक्स में ये वीजिंग साउंड आपको ऑडिबली भी सुनाई देगा पेशेंट्स में। तो अभी बात करते हैं होम्योपैथिक मैनेजमेंट की। तो अस्थमा होम्योपैथी से बिल्कुल ठीक हो सकता है, और होम्योपैथी से जो अक्यूट अटैक्स होते हैं अस्थमा के वो भी कंट्रोल में ला सकते हैं, और जो क्रॉनिक अस्थमा का ट्रीटमेंट है उसमें भी काफी सफलता मिलती है। पर कुछ केसेस में अगर अस्थमा काफी सीवियर है तो कभी कभार होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ हम बिगनिंग में जो आप मॉडर्न मेडिसिन के जो इनहेलर्स ले रहे हैं वो थोड़े टाइम तक हम कंटिन्यू रखने बोलते हैं, और आपके जो डॉक्टर के कंसल्टेंट्स के साथ हम धीरे धीरे ये इनहेलर्स बंद कर देते हैं और सिर्फ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे आपको रखते हैं। तो कभी कभी ये जो अस्थमा का जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होता है वो काफी लंबे समय तक भी चल सकता है, यानी 1-2 साल तक भी चल सकता है, पर उसके बाद जो आपको रिलीफ मिलती है वो हमेशा के लिए रहती है। तो जो क्योर होता है ये परमानेंट होता है अस्थमा का। तो मैं बात करूंगी हम होम्योपैथी में कैसे अप्रोच करते हैं। तो जो अप्रोच होता है वो सिम्टोमैटिक होता है, इंडिविजुअलिस्टिक होता है। तो हर इंसान में जो सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, उसको लेके हम होम्योपैथी में ट्रीट करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी केस का। एक यंग 10th स्टैंडर्ड में बच्ची पढ़ रही थी जिसे अक्यूट अटैक था अस्थमा का, उसके वजह से वो पढ़ नहीं पा रही थी, शी वॉज ब्रेथलेस। जब वो आई तो वो काफी ब्रेथलेस थी, जब मैंने एग्जामिन किया तो चेस्ट में पूरी वीजिंग थी, बायोलैटरल वीजिंग था। तो पर उसको एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम था कि जब वो पेट पे सोती थी तो जो उसका
दमा था और खांसी था वो बिल्कुल कम हो जाती थी। तो होम्योपैथी में एक मेडिसिन है मेडोराइनम, मैंने उसे वो दी। उसके बाद जो उसका अक्यूट अटैक था अस्थमा का वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो होम्योपैथी में अक्यूट अटैक्स को कंट्रोल करने में भी मेडिसिन्स है, कभी कभी हमें मदर टिंचर्स होते हैं वो यूज करने पड़ते हैं, और क्रॉनिक अटैक को कम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हम जो कहते हैं, जो पर्सन के मेंटल सिम्टम्स फिजिकल सिम्टम्स को लेके हम एक दवाई देते हैं, उससे जो क्रॉनिक टेंडेंसी अस्थमा की वो बिल्कुल ठीक की जा सकती है। तो अगर आपको अस्थमा है तो आपके नजदीकी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाके दवाई ले सकते हैं। अगर आप मुझे कंसल्ट करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल होमी हील्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अंत में आपके हेल्थ के बारे में सतर्क रहिए, हेल्दी रहिए। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।